आपसे गुजारिश है कोई लब खामोश न रहे, शर्माया ना करें, कलमा तैयबा पढ़ते वक्त कोई दलील ना सामने रखा करें। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह का जिक्र इतनी बुलंद आवाज से करो कि लोग तुम्हें रियाकार कहें। इसलिए कलमा तैयबा पढ़ते वक्त शर्माया ना करें, ये आखरत का मामला है। ला इलाहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई और पर्दे में सुनने वाली बहन बेटी, आप देखो जो लोग दुनिया से गए हैं, माशाल्लाह से 300 के करीब बच्चियां होती हैं, 300 के करीब बच्चे होते हैं, उनके टीचर्स, उनके माँ बाप, मुरीदीन और बड़े दूर दराज से लोग यहाँ कलमा तैयबा पढ़ते हैं, कितना हजारों की तादाद में उनको असाले सवाब पहुंचता होगा। ये दुआ करें कि जब हम दुनिया से जाएं तो हमारे पीछे ऐसे कोई दुआ करने वाला हो। अमीन सलातो सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला अलैका वसहाबिका या हबीबल्लाह नबी जानी मुकीम सलाती व मिन जुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ रब्बना गफिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यकुमुल हिसाब। ऐ मालिक ज़ुल जलाल, जो कलमा तैयबा पढ़ा गया इसका सवाब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। उनकी तुफैल तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम, तमाम मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, ए अल्लाह खुसूसन बिन खुसूस बारी ताला, जो लोग यहाँ पर जिनकी चिट्ठियां आई हैं, जो जो अजीज दुनिया से गए हैं, उनकी रूहों को एहसाने सवाब करते हैं कबूल मंजूर फरमा। ए अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी कब्र की मंजिलों को आसान फरमा। जिसकी इतना यहाँ तक नहीं भी पहुंच सकी, जो दिल में मुराद लिए बैठा है, बारी ताला उनके अजीज करबा को भी जवार रहमत में जगह अता फरमा। जो बजरिया इंटरनेट दूर दराज से दूसरे ममालिक से जो दुआएं करवाने के लिए बैठे, अल्लाह इनके जो जो अजीज दुनिया से गए हैं, अल्लाह सभी को जवार रहमत में जगह अता फरमा। अल्लाह हम सबके गुनाहों की बख्शी फरमा, अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा नसीब फरमा, या इलाही तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तू तो जानता है किसके दिल के अंदर क्या मुराद है। अल्लाह प्रभु परवरदिगार आलम, तू तो बेहतर जानता है, तेरी तरफ से तो ऐलान भी यही है कि मेरी बारगाह से मांगो, मैं मांगने वालों को अता कर देता हूँ। अल्लाह तेरे बंदे तेरी मंगतियां, अल्लाह तेरे मंगते तेरी मंगतियां, अल्लाह तेरी बारगाह में मांगने वाले तेरे से इंतजार करते हैं। अल्लाह इन सबकी मुरादों को पूरा फरमा, अल्लाह इनकी हाजात को पूरा फरमा। किसके दिल के अंदर क्या मुराद है, अल्लाह तू बेहतर जानता है। परवरदिगार सबकी मुरादों को पूरा फरमा, सबके दिली हाजात को पूरा फरमा, सबके दिल की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी नसीब फरमा। अल्लाह जितने लोग इस वक्त दुआ में शामिल हैं, इनके दिलों में जो जो भी हाजात है, इनकी हाजात को पूरा फरमा। अल्लाह बे औलादों को औलाद वाले बना, औलाद वालों की औलाद को नेक बना। अल्लाह तेरे सामने हम सब अपनी झोलियां फैला के एक इल्तिजा करते हैं, अल्लाह औलाद वालों की इज्जतों को महफूज फरमा, अल्लाह खुसूसी तौर पर बेटियों वालों की इज्जतों को महफूज फरमा। अल्लाह हमारी बहनों और बेटियों के नसीबों को अच्छा बना। अल्लाह जो बेटियां यहाँ पर आई हैं, जो नेट पे बैठ के सुन रहे हैं, अल्लाह जो जो लोग इस दुआ में शामिल है, सभी के नसीबों को अच्छा बना। अल्लाह इन नौजवानों के नसीबों को अच्छा बना।
जो बुजुर्ग आए हैं, अल्लाह इनकी मुरादों को पूरा फरमा, अल्लाह कर्जदारों को कर्जे से निजात अता फरमा, अल्लाह इन सबके कारोबार में तरक्कियां अता फरमा, अल्लाह इनके रिस्क में इजाफा फरमा। हमारी एक बहन है, बड़ी देर से हमारे मदीना की ड्यूटी करती है, अल्लाह वो बीमार है, उसको सेहत कुली अता फरमा, अल्लाह उसको सेहत कुली अता फरमा। अल्लाह जो तेरी दीन की खिदमत करने वाले लोग हैं, अल्लाह अपनी रहमत के सदका उनके ईमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी बहन बीमार है, उसको सेहत कुली अता फरमा। अल्लाह तंग दस्तों की तंग दस्ती दूर फरमा। अल्लाह बे औलादों को औलाद वाले बना। अल्लाह बे औलादों को औलाद वाले बना। या इलाही कर्जदारों को कर्जे से निजात अता फरमा। अल्लाह कर्जदारों को कर्जे से निजात अता फरमा। अल्लाह कर्जदारों को कर्जे से निजात अता फरमा। या इलाही अनवारे मदीना वालों को तूने जो जगह था कि अल्लाह उसकी अदायगी में आसानियां पैदा फरमा। 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 ए मालिक मौला, उसकी अदायगी में आसानियां पैदा फरमा। सबसे गुजारिश है, चंद लम्हों के लिए अपने लिए दुआ करें। आपसे गुजारिश है, जब अपने लिए दुआ करें तो अनवारे मदीना की तरक्की के लिए और जो लोग अनवारे मदीना की खिदमत करते हैं उनके लिए जरूर दुआ किया करें। वो अपने बच्चों का पेट काट के दीन की खिदमत करते हैं, दुआ करें अल्लाह उनके बच्चों के नसीबों को अच्छा बनाए। मैं बुरे लबन टुरया ते बुराना लब्या कोई जद मैं जाती अंदर पाई ते मैं थो बुरा ना कोई ते दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए सजना मर जाना टीगर ते दिन होया मोहम्मद ते ओड़क नो डूब जाना। मौला परवरदिगार आलम, तू तो बेहतर जानता किसके दिल में क्या मुराद है। अल्लाह इनके दिलों की मुरादों को तो तू जानता है, जो जो मुरादे मांगने वाले तेरा तो ऐलान है कि मैं अपने ममते को खाली नहीं रहने देता। मालिक बोला तेरा तो ऐलान है ना, मेरा ममता मेरी बारगाह से खाली नहीं जाता। अल्लाह ये तेरे मंगते तेरी मंगतियां अल्लाह तेरे सामने अपने हाथों को फैला के बैठे हुए हैं। लोग तो उनको कहते हैं ये पागल है परवरदिगार, ये तेरी बारगाह के मंगते मालिक बोला मालिक बोला हम सबकी इज्जतों को महफूज फरमा, अल्लाह हम सबके गुनाहों की बख्शी फरमा, अल्लाह सबके गुनाहों की बख्शी फरमा। अल्लाह जो अनवारे मदीना में अपना पैसा रुपया खर्च करते हैं उनको इज्जतें अता फरमा, उनको वसीरीज अता फरमा, अल्लाह उनको दीन से मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह हम सबको दीन से मोहब्बत अता फरमा, दीनदारों से मोहब्बत अता फरमा। वाऊ फवीद अमरी लल्लाह इन अल्लाह बसीरुम बिल इबाद। या इलाही खुसूसी तौर पे जिन दोस्त अहबाब ने दुआओं के लिए कहा उनकी मुरादों को पूरा फरमा, जिन बहनों बेटियों ने चिट्ठियां लिख के भेजी उनकी मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह अपनी रहमत का सदका परवरदिगार आलम जो यहां बैठने वाले हैं, जो जो दो लोग इस दुआ में शामिल हैं, अल्लाह इन सब के घरों में खैर फरमा, अल्लाह दीन से मोहब्बत अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला रसूल के सन मौलाना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।